दरवाजा करने पहला तोहफा अज मिलना शुरू होया कठुआ जिसमें जीनस का पहला स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। हाँ पहला लगा रही है। कौन सी कंपनी है जो स्मार्ट मीटर लगा रही है? जीनस कंपनी। पहले लोगों को बताया था कि स्मार्ट मीटर लगना जो आज से शुरू होंगे। हाँ लोगों को बताया बताया भी हमने बताया तो है सब सभी को एक के थर्ड कुटको से इधर से स्टार्ट कर रहे हैं ना एक कमर्शियल लगेगी ना दुकानें जो पड़ी हैं तो सिटी में भी लगे हैं रूरल वर्ल्ड सभी में गाँव में भी लगाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर बताएंगे। एक बात सुनो पूछनी पड़ेगी आपको जो जिनके पुराने बकाया बिल होंगे अब नया मीटर जो लग रहा है नए मीटर से बिल देना पड़ेगा पिछला बकाया बिल जो होगा 90-80 हज़ार वो भी इसमें आएगा। नहीं जो पिछला एरियर एरियर वो भी देना पड़ेगा बहुत मतलब अब जो नया मीटर लगेगा उसका पिछला बकाया जितना भी हो वो देना पड़ेगा वो तो देना पड़ेगा। पर यूनिट प्राइस क्या रहेगा सेम रहेगा या उसमें भी कोई बढ़ोतरी जो है वो की जाएगी? नहीं यूनिट में फिलहाल अभी कोई बढ़ोतरी नहीं है जो पहले जो यूनिट रेट है वही लगेगा। बताएंगे पूरे कठुआ में कितना टेंडर जो हुआ कितने स्मार्ट मीटर्स का टेंडर हुआ है ये तो आज कितने लगने का अनुमान है टारगेट क्या है? वो बता रहे थे कि इसमें सिम पड़ेगी शायद इसकी रीडिंग लेने में आसानी हो जाएगी अब इसमें बैठ कर रीडिंग हो जाएगी उसकी। अभी सिम डाली हुई है इसमें? हाँ बोल रहे हैं बता रहे हैं कंपनी वाले की सिम है इसमें जी तो थोड़ा कोई रीडिंग करना पड़ती थी उसका थोड़ा आसानी हो जाएगी। आज जब पहला मीटर लगाने लगे तो किसी ने विरोध किया इसका स्मार्ट मीटर लगा रही है फिलहाल? नहीं नहीं किसी ने नहीं किया सर। क्या देखते हैं ये जो है वो दिया गया है रविंद्र कुमार शर्मा है जी। मैं जीनस कंपनी से जो है साइड इंजीनियर के पद पे हूँ अभी। आज पहला स्मार्ट मीटर कठुआ में लगा दिया हमने और अभी इसके बाद में रनिंग में मीटर लगने हैं। अब वो कठुआ सिटी के अंदर हमारे 23,000 मीटर जो है इंस्टॉल करने हैं हमें कठुआ विद इन सिटी 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 लेवल। अच्छा सर शर्मा जी बताएंगे क्या कुछ खासियत रहती है इस मीटर की? सर इसकी सबसे बड़ी खासियत है बिलिंग एक्यूरेसी को लेके। अच्छा जैसा कि पहले अपना नॉन स्मार्ट मीटर में चलता था कि मीटर में रीडिंग कुछ अलग होती थी और कंज्यूमर की रीडिंग कुछ बिल कुछ अलग रीडिंग से आता था जी जी। तो अभी इसमें क्या है कि हमारी सेम एक्यूरेसी रहेगी रीडिंग की और सेम जिस जो रीडिंग मीटर में होगी उसी रीडिंग का कंज्यूमर के पास बिल आएगा। इसमें सिम भी डाली गई है बताया जा सिम होती है इसमें सिम अभी हम एयरटेल का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा तो क्योंकि एयरटेल का नेटवर्क ठीक है रूरल एरिया में भी जो है ओके है तो अभी एयरटेल का नेटवर्क प्रीपेड है अभी पोस्टपेड मोड पर है मीटर प्रीपेड मोड पे अगर उपभोक्ता चाहेगा तो प्रीपेड मोड पे मीटर कन्वर्ट कर सकता है। ये पर्सनल लगा है या कमर्शियल लगाया गया? ये कमर्शियल मीटर है अभी पहला कमर्शियल मीटर लगा है। कितना अंतर रहेगा और पर्सनल स्मार्ट मीटर में और कमर्शियल स्मार्ट मीटर? कंज्यूमर का जो भी मीटर लगेगा फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा कंज्यूमर बाहर नहीं आएगा कोई मीटर का बाहर नहीं है कंज्यूमर पे। बिलिंग यूनिट रेट जो है सेम रहेंगी और एज पर जो डिस्कॉम अगर चाहेगा वो चीज आगे रहेगी। अभी सेम यूनिट रेट पर मीटर लगाया गया है। जिला भर में कितने स्मार्ट मीटर्स लगने हैं पूरे कठुआ जिला में? कठुआ जिले में करीब 1.25 लाख मीटर के समथिंग हमारे पास में स्कोप है। 1.25 लाख जी इसमें हर गांव और शहर में। कब तक इस पूरे कार्य को संपूर्ण कर लिया जाएगा? ये हमारे पास में वैसे 10 ईयर्स का है विद इन इसका मीटर मेंटेनेंस को लेके और अब जो है हमारे पास में प्रोजेक्ट कम टाइम का होता है। इंस्टॉलेशन पीरियड कितना रहेगा आपका? इंस्टॉलेशन पीरियड अगर कोई हमारे जनता साथ देती है तो फिर हम जल्दी काम इसको कर देंगे वो डिपेंड करता है शहर की जनता के ऊपर। तो आपको क्या लगता है जनता अगर कोई जनता हमें लगता है अच्छा का मतलब मीटर जनता के लिए बहुत बेटर है अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका जो पता लगे और अफवाहें भी जो है जम्मू को लेके जा पता नहीं कैसा काम हुआ क्या नहीं हुआ कैसा नहीं हुआ पता नहीं लेकिन अभी यहाँ जो इंस्टॉलेशन होगा उसको लेके हमें कंफर्म है पक्का है कि जनता हमारा साथ देगी। बिल्कुल कितना शुभ काम हुआ था दिखो पूजा मोली सिंदूर अगरबत्ती
देखो जी सब तो पहले स्वस्तिक निशान गणेश भगवान का निशान बिल्कुल गणेश भगवान का निशान है स्वस्तिक का पवा है शुभ काम है शुभ काम प्रदीप बाबू जी इसके ऊपर शीशे के ऊपर ऐसा ही लगेगा ना शीशा है ना ये प्लास्टिक ये स्लिप हो जाता है ना ऊपर खुशी यार क्या बात है यार स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर बड़ा भाग्या वाला जिदे पर हार भी चढ़ा दे अगरबत्ती धूफ वगैरह शुरुआत रीति रिवाजों के साथ जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं कठुआ में स्मार्ट मीटर की शुरुआत और वो भी रीति रिवाज सिंदूर फूल चावल तिलक लड्डुओं के साथ ये कठुआ की जनता को एक बहुत बड़ा उपहार है नवरात्रों के पर्व पर और ये उपहार कठुआ की जनता मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से जो है इसको ग्रहण करेगी और इससे कठुआ की जनता को बहुत फायदा मिलेगा और ये मानो कि कठुआ की पूरी जनता को एक तरीके से नवरात्रों के पर्व पर बहुत बड़ा उपहार है। गणेश जी की पूजा की आपने? जी ये गणेश जी की पूजा है इसमें सभी देवी देवताओं का जो है मैंने आह्वान किया है और हम चाहते हैं कि कठुआ की जनता को विघ्न विदाउट बिना कोई विघ्न डाले नहीं जी जी कोई विघ्न नहीं मैं तो सब मेरे तो ये आप सब मिठाई ग्रहण करें और ये पूर्ण रिवाजों के साथ इंस्टॉल किया गया है तो क्या लगता है कि आने वाला भविष्य इसका कैसा रहने वाला है कठुआ में? देखो भविष्य हम मीटर का भविष्य भी देखते हैं और कठुआ की जनता का भविष्य भी देखते हैं। हम ऐसा नहीं है कि कठुआ की जनता का भविष्य पहले है क्योंकि हम भी एक इंसान ही हैं और पूरा जो है इंसानियत के नाते जो है हम जनता का फायदा ज्यादा चाहते हैं।